स्टारलिंक और BSNL भारत में संचार क्रांति का नया दौर शुरू। नमस्कार श्रोताओं, भारत में BSNL और टाटा ग्रुप कंपनी इस समय सुर्खियों में है। इन सुर्खियों के पीछे पीछे एक खबर और आ रही है कि भारत के संचार क्षेत्र में एलोन मस्क की विश्व प्रसिद्ध कंपनी स्टारलिंक भी जुड़ने वाली है। आज के पॉडकास्ट के लिए इस मुद्दे की पड़ताल की है कंटेंट राइटर गिरीश बिल्लोरे मुकुल ने, जिसे संपादित किया है सिद्धार्थ गौतम ने। आज के इस महत्वपूर्ण पॉडकास्ट को लेकर हाजिर हूँ मैं, वैशाली बरसैया। यह क्या, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ना। भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत की व्यापारिक बुद्धिमत्ता को कमजोर साबित करने वाली विचारधारा को आज गहरा झटका महसूस हो रहा होगा। टाटा के साथ कोलैबोरेशन करके भारत ने विश्व को यह बता दिया है कि हम चीन पर उतना निर्भर नहीं हैं जितना समझा जाता रहा है। COVID-19 आने से पहले भारत लगभग यह सुनिश्चित कर चुका था कि चीन की कंपनियों के साथ भारत की सरकारी कंपनी का अनुबंध भारत में संचार क्रांति को एक नया स्वरूप प्रदान कर देगा। COVID-19 के दोनों एपिसोड के बाद चीन की संदिग्धता विश्वव्यापी हो चुकी है। अगर भारत का BSNL सशक्तिकरण का प्रोजेक्ट चीन के साथ नए स्वरूप में आता तो तय था हम अपनी न केवल गरिमा को कम करते बल्कि हमारी चीन पर निर्भरता भी स्पष्ट रूप से बढ़ जाती। सूत्रों की माने तो दूर संचार के क्षेत्र में चीन की कंपनियों के साथ भारत का करार एक नए किस्म की मोनोपोली को स्थापित कर देता। इसमें कोई शक नहीं कि चीन के साथ हमारे आर्थिक संबंध बेहद सकारात्मक हैं, परंतु हमें अपने अस्तित्व और भारत के वैश्विक महत्व को बनाए रखने के लिए आंतरिक रूप से मजबूत बने रहने की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। जानकार बताते हैं कि भारत की सरकारी कंपनी BSNL और चीन की संचार कंपनियों के साथ हुए समझौते अगर पूरे हो जाते तो 3G के बाद सारे संचार बदलावों में चीन का हस्तक्षेप बढ़ जाता। आपको याद होगा कि जुलाई 2020 के पूर्व भारत सरकार ने चीन के 59 ऐप सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए रद्द कर दिए थे और फिर जुलाई 2020 में 4G सेवाओं को अपग्रेड करने वाले 4 टेंडर भी रद्द किए गए थे। मुख्य रूप से चीन ने कंपनियों के जरिए विभिन्न देशों के सुरक्षा प्रबंधन पर भी निशान साध लिया था। भारतीय सुरक्षा को लेकर उठाए गए इस कदम को एक टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है। भारत सरकार ने घाटे में चल रहे BSNL के वित्तीय स्वास्थ्य को सुधारने के लिए लगभग 8000 करोड़ रुपए की सहायता BSNL को देते हुए कहा था कि भारतीय संचार क्षेत्र में उपयोग में चीन से आयातित 75% इक्विपमेंट का निर्माण भारत में ही हो। अब इक्विपमेंट्स के मामले में भारत की चीन पर निर्भरता कम होने लगी है। टेलीकॉम क्षेत्र को भारत सरकार मजबूत बनाने के लिए R&D यानी शोध एवं विकास पर खर्च करने की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। भारत सरकार के उपक्रम BSNL ने टाटा के साथ किए समझौते के बाद प्राइवेट कंपनियों पर भी नकेल कसने का काम किया है। इसके अलावा भारत के भीतर संचार क्षेत्र को एयरटेल, जियो और VI जैसी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता। वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत चौथे और पांचवे जनरेशन के स्पेक्ट्रम के मेंटेनेंस और उपभोक्ता के हितों के संरक्षित रखने का दायित्व टाटा का होगा। संचार क्षेत्र में टाटा की मौजूदगी से केवल ऑपरेटर्स को भी रोजगार मिलने की अपार संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर जहां एक और यह समझौता वैश्विक व्यापार व्यवस्था को भारत की आत्मनिर्भरता का संदेश देता है, वहीं दूसरी ओर आंतरिक ढांचागत सुधार को भी मजबूत करने का प्रयास है।
टाटा के साथ बीएसएनएल के जुड़ाव का समाचार तब तक अधूरी रहेगी क्योंकि अभी तक हमने स्टारलिंक के एलोन मस्क की चर्चा नहीं की है। एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक हमारे देश में संचार क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण सहयोगी साबित होगा। आप सोच रहे हैं कि स्टारलिंक बीएसएनएल के लिए किस प्रकार से सहायक होगी। स्टारलिंक सैटेलाइट अन्य जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की तुलना में कम ऑर्बिट में है, जिससे तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी देना काफी आसान हो जाता है। टेस्ला, स्पेसएक्स एवं स्टारलिंक के सीईओ एलोन मस्क अपने स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस के जरिए 80 देशों को वैश्विक इंटरनेट सेवा का विस्तार करना चाहते हैं। पिछले दिनों उनकी भारत यात्रा के सुखद परिणाम को आप अवश्य ही देखेंगे। धन्यवाद।